रिटायर्ड कर्नल की रिहाई के बाद पूर्व सैनिकों द्वारा की गई प्रेस वार्ता के बाद जहां एक तरफ नोएडा पुलिस ने अपने आप को बचाने के लिए बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना सेक्टर 20 के तत्कालीन SHO मनीष सक्सेना को लाइन हाजिर कर दिया और क्षेत्राधिकारी प्रथम अनित कुमार का तबादला कर दिया है, वहीं नोएडा प्राधिकरण ने ADM के सेक्टर 29 आवास पर किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। इस दौरान प्राधिकरण के दर्जनों कर्मचारियों के साथ पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहे। बता दें कि इससे पहले कई बार पूर्व सैनिकों द्वारा नोएडा प्राधिकरण से ADM के अवैध निर्माण को लेकर शिकायत की गई थी, लेकिन तब प्राधिकरण ने पूर्व सैनिकों की शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया। बता दें कि रिटायर्ड कर्नल पर ADM की पत्नी ने छेड़छाड़ जैसा संगीन आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने रिटायर्ड कर्नल को जेल भेज दिया था। इस मामले को लेकर पुलिस की खूब फजीहत हुई।